5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक पार्टी के नेताओं की निगाहें 11 दिसंबर पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें 11 दिसंबर को नतीजे आने के साथ ही सब साफ हो जाएगा कि आखिरकार इन राज्यों में किसकी पार्टी का कब्जा रहेगा और कौन मारेगा बाजी। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी का हारना तय बताया जा रहा है। जिस तरह से एग्जिट पोल की बात करें और सट्टा बाजार की बात करें तो दोनों ने ही बीजेपी की हार घोषित कर दी है। वहीं ज्योतिषों के अनुसार भी इन राज्यों में बीजेपी की हार बताई गई है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो सबकी निगाहें बसपा और निर्दलीय पार्टी पर रहेगी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों इन पार्टियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर अजीत जोगी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस उनकी तरफ झुक सकती है। तेलंगाना में AIIM और बीजेपी की भूमिका बढ़ जाएगी तो वहीं मिजोरम में कांग्रेस और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। SBN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।